कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने सीखा अभी वाले इसके पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन सीखा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कितने तरह के हुए? तीन तरह के। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब जो है इस कॉन्फ़िगरेशन का पूरा फोटो देखेंगे, पहले फोटो देखेंगे। बैटरी लगाने वाला अभी दिल्ली दूर है, बैटरी अभी नहीं लगेगा। पहले तो फोटो बनाने में बड़ी टेंशन वाला बात है, क्योंकि आगे जो हम फोटो आपको दिखाने वाले हैं वो देखिए फोटो। आइए जी फोटो दिखाते हैं। चलिए इसमें इतने ही, अगले पेज में है, ठीक है। टू डू बायस, बायस मैंने बैटरी बताया थे, टू डू बायस कनेक्शन, बैटरी का कनेक्शन करने के लिए। एन ट्रांजिस्टर, वी यूज फॉलोइंग रूल्स, कुछ नियम है उस नियम को अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले कॉमन बेस कॉमन इमीटर का फोटो पहले बनाने ही नहीं आएगा तो हम पूछो कर ले, कितना पूछो कर दें, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, मतलब आप बना ही नहीं पाइएगा। फिलहाल हम कॉमन बेस कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, ठीक है, पढ़ेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। पहला ही दोनों पॉइंट्स को भी सीखेंगे, दो पॉइंट लिखा हुआ है, ये दोनों पॉइंट को लिखेंगे और पहले फोटो बनाएंगे। उसके बाद हम ये दोनों रूल को भी पढ़ेंगे। एकदम इस पॉइंट पे आ रहे हैं, ये दोनों छोड़ते हैं। आइए सर हमारा, चलिए पहले फोटो पे आते हैं। यहां तक में आपने सीखा कॉन्फ़िगरेशन का नाम। अभी जो हम बताने वाले हैं इसमें हम आपको कॉमन बेस का फोटो बनाने जा रहे हैं। किसका? ठीक से देखिएगा, किसका? कॉमन बेस का फोटो। किसका फोटो? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का फोटो बनाने जा रहे हैं। यस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का फोटो बनाने जा रहे हैं। जब मैं कॉमन बेस का फोटो बनाऊंगा, ठीक है, कॉमन बेस का फोटो बनाऊंगा, ठीक, कॉमन बेस का फोटो बनाएंगे। कॉमन बेस, जैसे हम कॉमन बेस का फोटो बनाते हैं, सुनिएगा, पहले दो ट्रांजिस्टर है जी मेरे पास, एक का नाम है एनपीएन, बना लो, और एक का नाम क्या है? एसपीएनपी। क्या नाम है? हाँ, ठीक से देखना, आराम से देखना, कोई हड़बड़ा के नहीं कि एक के दिन में हम पढ़ना सीख जाएंगे, थोड़ा समय दोगे पूरा सीखोगे। एनपीएन देखो, बोला सर डब्बा वाला बनाइए ना, तो डब्बा वाला ऐसा होता है एनपीएन, लिखिए ये बन गया, ये बन गया, और इधर से इधर बन गया, रंग बिरंगा डब्बा बन गया। अरे हाँ जी, कलेक्टर बेस इमीटर, लगता है बड़ा बन गया ना, थोड़ा सा थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा लग रहा है कि ई वाला बड़ा कर दिए और ई वाला थोड़ा छोटा कर दिया, अब ठीक है। हाँ, यहाँ से टर्मिनल निकला, ये हो गया इमीटर। अच्छा, यहाँ से टर्मिनल निकला बेस, और यहाँ से जो टर्मिनल, यस, अब हमें कॉमन बेस बनाना है। हाँ, कॉमन बेस बनाना है तो हमें कॉमन बेस के लिए बेस से एक तार लेंगे, एक तार इधर दे देंगे, यानी दूसरा वाला तार की तरफ, और एक तार इधर दे देंगे, इन दोनों के बीच में बैटरी जोड़ देंगे। हाँ सर, बैटरी कैसे जुटेगा बाद में सोचेंगे, लेकिन ये कॉमन बेस हो गया। क्या हो गया? लेकिन एक बात सुनो, ये तो हो गया डिब्बा वाला, सिंबल भी तो पढ़े हैं, उसे ही बनाइए, किताबों में वो भी रहेगा, बीके मेहता वगैरह किताब पढ़िएगा तो भी रहेगा। तो हम सोच, देखिए सिंबल को थोड़ा डिजाइनदार तरीके से बना रहे हैं, देखिए भाई सब फोटो ऐसा नहीं देखियो, अभी तो देखा है, अरे रीजनिंग पढ़वे किया है, पढ़ा है, देखिए आइए फोटो तो अभी, हाँ देखो हम दिखा रहे हैं ऐसा फोटो जी, कुछ किए नहीं है, रीजनिंग में कुछ करते, उलट नहीं देते, इसको ऐसे घुमा दीजिए एक बार, है ना, एग्जैक्टली चलते हैं, समझ गए होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर कॉमन बेस पढ़ने जा रहे, ध्यान से सुनेंगे। तो ये फिलहाल बन गया, उलट गया, एरो मार्क बाहर, एनपीएन है, अरे एनपीएन है, इसमें तो नहीं दिखता है लेकिन इसमें दिखता है, इसमें एरो मार्क बाहर की ओर, अरे हाँ की ना, बाहर की ओर का मतलब इधर लगेगा सर, क्योंकि ये इमीटर है इसलिए इसमें बाहर की ओर, और ये कलेक्टर है और ये बेस है, तो बेस को इधर तार जोड़ेंगे, बेस इधर तार जोड़ेंगे, अरे हाँ कि ना, हाँ, और यहाँ पर हम लोग बैटरी जोड़ेंगे, यहाँ पर हम लोग बैटरी जोड़ेंगे, अरे हाँ एक कि ना, बोलो यस सर, ठीक, हाँ बोलिए ना बच्चा, इसको नहीं कह सकते क्योंकि इसमें तीर का निशान लग गया है, तीर का निशान हमेशा इमीटर होता है, यस ये इमीटर ही होगा और ये बीच वाला बेस ही होगा, तो ये कलेक्टर होगा। हाँ, अगर ये तीर का निशान नहीं होता तो हम कलेक्टर कहते, इधर हम कलेक्टर कहते तो इमीटर होता, इधर कलेक्टर कहते तो इमीटर होता, तीर का निशान दिख गया का मतलब वो इमीटर है। चलिए बन गया, ये कॉमन बेस हो गया सर, क्यों, बेस को दोनों तरफ तार दिए थे, ये हो गया किसका, एनपीएन का, ऐसे ही फोटो किसका बनेगा। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, बैटरी लगाने सिखाएंगे, अरे हाँ कि ना, यस बैटरी लगाने सिखाएंगे, ठीक, आइए, अरे पीएनपी बनाओ ना जी, कुछ तो है नहीं, एक डिब्बा बनाएंगे, देखो ये डिब्बा बनाए, डिब्बा में ऐसे बना, इसमें कलेक्टर हुआ, ये बेस हुआ, ये मीटर हुआ, इधर से एक तार गया, अरे हाँ कि ना, यस सर,
तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर इसलिए पीएनपी बना दिए। अरे हाँ yes, हाँ सर। और इसमें बेस से एक तार लेके इधर जोड़ दिया और एक तार इधर जोड़ दिया। यहाँ एक बैटरी लगेगा। हाँ, बैटरी कैसे लगेगा बाद में सोचेंगे। बैटरी अभी लगाने का तरीका बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। डिब्बा के अंदर में जो चार्ज कैरियर होगा जरूर लगा दीजिएगा। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, यस सर, नो सर। तो आगे है, यहाँ पर सिंबल वाला भी बना लेने में ठीक रहेगा। सिंबल वाला क्या है, देखो यहाँ सिंबल वाला बनाया ना, वैसे बनाइए। यहाँ देखिए कॉमन बेस के लिए कैसे बना रहे, ऐसे 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 हो गया, सर्कल बन गया जी। अच्छा पीएनपी के लिए अंदर की ओर रिमार्क। अच्छा इधर एक तार, इधर एक तार, इसका नाम इमीटर होगा, इसका नाम कलेक्टर होगा, और इसका नाम, यस वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है। यहाँ से बेस हो गया, यहाँ जो टर्मिनल होगा यहाँ पर बैटरी लगेगा और एक बैटरी यहाँ लगेगा। ये कॉमन किसका बन गया, कॉमन, हाँ कॉमन बेस का। दो फोटो हो गया एनपीएन का और पीएनपी का, तो अभी दो और बचा है, कॉमन इमीटर और कॉमन बैटरी। लगाने के लिए अलग नियम सिखाएंगे, पहले फोटो बनाने सीखना है, क्योंकि इस तरह का फोटो ना बहुत सारे किताबों में दिखेगा, और चाहे ये दिखेगा चाहे ये दिखेगा, पहले फोटो ही नहीं समझ में आता है बना कैसे। मेरे अपने समय में फोटो बनाने में परेशान होता था, मेरे को मालूम है कि आपको भी फोटो बनाने में परेशानी आएगी, तो क्यों ना हम लोग अभी से सीख जाएं। क्या आइए, अरे कहाँ कौन सी बना बताओ। हाँ ये वाला, सर्किट डायग्राम क्या बना। सर्किट का मतलब होता है परिपथ, क्या होता है परिपथ। अब इसमें अगर हम बैटरी जोड़ देंगे तो बैटरी जोड़ने पे इसमें धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। अब धारा का प्रवाह इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो बैटरी जोड़ने पे निर्भर करेगा, ठीक है। ये परिपथ बन गया, क्या बन गया, और इसी परिपथ में ये ट्रांजिस्टर काम करेगा। ट्रांजिस्टर का मुख्य काम है हमारे सिग्नल को बड़ा करना, सिग्नल को बड़ा करना, सिग्नल को एम्पलीफाई करना। मतलब मैं अगर धीरे धीरे बोल रहा हूं तो एक भैया उधर से माइक लेके आता है, कमर में बांधते हैं और जो बोलते हैं तो मेरा आवाज थोड़ा बढ़ जाता है, देखिए हो ना, तो साउंड बढ़ गया, तो माइक बोलते हैं उसको। तो आपका जो है साउंड को बढ़ाने के लिए कमर में जो डब्बा आया, ठीक है, जिसको हम लोग एम्पलीफायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यस, तो एम्पलीफायर बनाने के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग करते हैं, और उसके अंदर ऐसा ही सर्किट बना होता है, करेक्ट। ये सर्किट बना, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने बैटरी अभी नहीं जोड़ा है, ये सर्किट डायग्राम बन रहा है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। क्या चीज है, क्लियर हो गया सर्किट डायग्राम। अब हाँ ऊपर वाले, ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसको पीएनपी ट्रांजिस्टर, दोनों ट्रांजिस्टर अलग अलग होता है, दोनों का करंट का डायरेक्शन, दोनों का काम सेम है लेकिन दोनों के करंट का फ्लो होने का डायरेक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। दोनों काम सेम करेगा लेकिन अपने अपने प्रॉपर्टीज हैं, पीएनपी अलग होता है, एनपीएन अलग होता है, पीएनपी अलग होता है, काम दोनों सेम करेगा, मेरी मर्जी है हम एनपीएन लगाएं या पीएनपी लगाएं, ठीक है। बाजार में एनपीएन और पीएनपी दोनों मिलता है, दोनों का काम एक ही है, ठीक है। लेकिन अब कोई कहो एक ही बनाता, अरे बनना था दो बन गया, अब स्कूटी और बाइक बन गया, जब स्कूटी बन बाइक बनना ही था तो स्कूटी का है बना, जिसको जैसी सहूलियत जैसा यूज वैसा काम करेगा। अच्छा लड़की के लिए बना, ये कहाँ लिखा है यार, हमारे पास भी स्कूटी, हम स्कूटी चलते हैं, ठीक है। अरे नहीं मेरा ब्लू रंग का स्कूटी है, ग्राजिया, ठीक है चलो। नहीं नहीं लड़का और लड़की, देखो लड़का और लड़की वाला स्कूटी होता है। आई हाँ हाँ हाँ, अरे अभी ऑपरेशन में आएंगे, कहाँ ऑपरेशन में, एरो का निशान क्यों आया, मैंने बोला अभी एक लेक्चर में नहीं आएगा, कम से कम तीसरा या चौथा लेक्चर में जाएगा, ठीक है। जब मैं इसका नोट्स में बढ़ूंगा आगे, तो उसमें जाकर के एरो का निशान क्यों आया वो आपको मैं दिखा देता हूँ, खाली देख लीजिए ताकि, हाँ हाँ नहीं देखिए एरो मार्क, देख लीजिए एरो मार्क क्यों आया वो दिखा देता हूँ, कहाँ आएगा एरो मार्क, कहाँ दिखेगा। देखिए ऑपरेशन जब हम पढ़ाएंगे तो देखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखेगा लास्ट में, देखिए एरो मार्क डायरेक्शन दिख रहा है। इमीटर में देखिए कौन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें एरो मार्क दिख रहा है करंट का, करंट का डायरेक्शन बाहर की ओर, करंट की ओर, हाँ इमीटर में बाहर की ओर, और वही यहाँ दिखाई दे रहा है। पीएनपी में अंदर की ओर होगा, पीएनपी में, तो ये उसके करंट का डायरेक्शन उसके ऑपरेशन के अनुसार था, इसीलिए ऐसा मिला। तो कलेक्टर में हम थोड़ी एरो मार्क लगाए थे, एरो मार्क किसमें लगाए थे, अब बोले सर कलेक्टर में क्यों नहीं लगाया, किसी एक में तो लगा था, तो साइंटिस्ट को लगा इमीटर में लगा दो, वो खोजा था, उसकी बात माननी पड़ेगी तुमको, है ना जी। अब तुम्हारा हॉर्न बायां में रहता है, तुम स्कूटी में हॉर्न दाहिना काहे नहीं लगाया, हम दाहिना लगाएंगे, तुम अपना स्कूटर बनाओ,
इंजीनियर बनो, दाहिने में हॉर्न लगा दो, बाया में स्टार्ट लगा दो, कौन बोलने वाला है? कोई नहीं बोलेगा। तो उसने खोजा है, उसने इमीटर में एरो मार्क लगाया, किसी एक में तो लगाना ही था एरो मार्क, तो इमीटर में लगाया, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इमीटर में एरो मार्क। तुम नया ट्रांजिस्टर खोजो, तुम कलेक्टर में लगा दो, कहा जाता है, ठीक है, तुम्हारा नाम भी होगा और काम भी हो जाएगा, क्या कहते हो? अरे हाँ जी, हाँ सर, सही बात है। कभी हम लोग कॉमन बेस सीखे, कॉमन बेस का देखिए, कॉमन अब आप पढ़ रहे हैं कॉमन इमीटर, ये कॉमन इमीटर है, क्या है? हाँ कॉमन इमीटर है, देखिए कॉमन इमीटर जितना बनाया कुछ कुछ गलत बनाया, ये कॉमन बेस का है, ये कॉमन बेस लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी ये कॉमन इमीटर का है। चलिए देखते हैं, अच्छा चलिए आते हैं, पहले आते हैं फोटो पे, मेरा फोटो को देखिए पहले, ये फोटो हो गया, अगले पेज में चलते हैं। अब बनाने जा रहे कॉमन इमीटर, क्या बनाने जा रहे हैं? हाँ ध्यान सुनेंगे हम, कॉमन इमीटर बनाने जा रहे हैं, कॉमन इमीटर। तो बाबू पहले फोटो बनाने सीख जाओगे ना तो बहुत मजेदार तरीके से होगा। कॉमन इमीटर ध्यान से सुनेंगे, कॉमन इमीटर, तो एक बात बता रहे, अच्छा लगने के लिए जिसको कॉमन करना है उसको नीचे कर लीजिए, ठीक है, डिब्बा ऐसे था, अब ऐसे कर लीजिए, अच्छा लगेगा, ऐसे लगने से अच्छा रहेगा। ये बात कि जिसको कॉमन करेंगे वो नीचे आ गया, अरे नीचे में इमीटर कॉमन करना है, तो देखिए इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, बका वाला कैरेक्टर। फोटो ऐसे बनाए अच्छा लगने के लिए बस, और ऐसा नहीं कि वैसे नहीं बना सकते, एकदम बना सकते हैं। अब आइए इसमें, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें एगो तार इधर ले लिए, लिए जी, ये तार इमीटर हो गया, एगो तार इधर निकाले जी, इसका बेस हो गया, और एगो तार इधर लेके थोड़ा मोड़ दिए इधर, कलेक्टर हो गया। और इमीटर को बोले तुमको बैटिंग भी करना है, बॉलिंग भी करना है, अरे हाँ जी, मतलब तुमको इसको भी मदद करना है और इसको भी मदद करना है, और यहाँ एक बैटरी लगेगा, अरे हाँ कि ना, यस सर, और यहाँ बैटरी लगाएंगे। फिलहाल ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कौन? तो ऐसा ही एक डब्बा उधर बनेगा, किसका बनेगा? वो पीएनपी का, यस सर, यहाँ लिखिए पीएनपी लिख दे रहे हैं, ठीक है पीएनपी। अब पीएनपी जैसे लिखेंगे तो ऐसा डब्बा बनेगा, अरे हाँ आना, ये बनेगा मेरे पास इमीटर, ये बनेगा बेस, ऊपर अलग कलेक्टर, यहाँ से एक तार निकला, यहाँ से एक तार निकला, यहाँ से एक तार निकला, इधर इधर तार, इधर तार, ठीक, ओके, ऐसे यहाँ एक तार हो गया, तब यहाँ बना, इसको हम लिख देंगे पीएनपी। यहाँ तो एनपीएन और पीएनपी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, डिब्बा तो एक ही नजर आ रहा है, लेकिन सिंबल में नजर आएगा सिंबल। अरे देखो जी कैसे फोटो बनाएंगे, ये देखो छोटा सा फोटो बना रहे हैं ताकि तुमको दिखाई भी दे और समझ में भी आ जाए। लो भाई यार देखो, पहले फोटो बनाओ, क्या एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि मेरे को इमीटर को कॉमन करना है इसलिए नीचे रख लिए, और एरो मार्क बाहर की ओर है, और मैं बोल रहा हूँ इमीटर को, भाई तुम, भाई तुम जो है ना इधर चल जाओ, अरे इधर गए, और इधर भी, इधर 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 इधर, यहाँ से इधर गए जी, हाँ इन दोनों के बीच में ऐसे, अरे हाँ की ना, हाँ बैटरी कैसे लगेगा बाद में सोचेंगे, बैटरी अभी लगाने की सिखाई नहीं है, यहाँ पर बताओ पीएनपी, इधर 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 इधर, एरो मार्क अंदर, अरे हाँ यस सर, ठीक है, और इधर एक, इधर एक लाइन, लाइन खींचे, यहाँ से एक तार लेंगे, इधर एक तार, इधर एक तार, यहाँ पर ऐसे, हाँ या ना, यस सर, कुछ ऐसे बना, नहीं समझ में आया, ठीक है, तो ये किसका बना, कॉमन, कॉमन इमीटर का बना, कॉमन, यस वेरी गुड, कॉमन इमीटर का बना। एक और बच्चा है, कौन? कॉमन कलेक्टर, यस करेक्ट, कॉमन कलेक्टर भी बना लेते हैं हम लोग, चलिए बना, हाँ बच्चा बोलो ना, हाँ कहे नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन बाबा एन से निकालोगे ना तो मोड़ मोड़ के फिर एनी लाना ही पड़ेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा, सुंदर, तुम कोई भी चीज को सुंदर बनाना चाहते हो तो ऐसे सुंदर, अगर तुम यहाँ से निकालोगे तो फिर एगो तरवा को तो एन रखना पड़ेगा बैटरी जोड़ने के लिए, या एजी पर ही जोड़ोगे तो सब हॉटस्पॉट नजर आएगा, और अभी करंट वरंट दिखाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए ऐसा नहीं कि एकदम निकाल सकते हैं आप, यहाँ से भी एरो मार्क मैंने फर्स्ट डे बोला था, या तो इधर से निकालो, या तो कोना से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से निकाल सकते हैं, हाँ वो भी चलेगा, हम कहाँ बोल रहे हैं, हाँ हाँ, अरे हमको तो खाली कॉन्फ़िगरेशन बनाने से मतलब है, बैटरी जोड़ने के समय में बैटरी का नियम बताएंगे वैसे जोड़ देना, वो नियम नहीं खाली टूटना चाहिए, आप कहीं भी किसी को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ तो अब आते हैं कॉमन कलेक्टर के तरफ, कॉमन, कॉमन कलेक्टर, चलते हैं कॉमन कलेक्टर, फिर वही बात वही नियम, कॉमन कलेक्टर बनाने के लिए कॉमन करने वालों को नीचे रखेंगे, अरे हाँ जी कॉमन कलेक्टर, कॉमन, कॉमन कलेक्टर, जैसे हम कॉमन कलेक्टर का बात करेंगे तो आप देखिएगा नीचे में इस तरीके से डिब्बा बना लिए, इसमें कलेक्टर बड़ा वाला हो गया, बेस ये वाला हो गया, छोटा हो गया, यहाँ से एक तार ले लिए, यहाँ से एक तार ले लिए, यहाँ से एक तार ले लिए, अरे हाँ यस सर, ये नाम क्या हो गया, अरे फोन नाम बोलो, पीएन, एनपीएन, एनपीएन कौन, चलिए तो यहाँ पर कलेक्टर है, ये इमीटर है और ये बेस है, एक तार बोले कलेक्टर भाई तो
तुमको बैटिंग करना है चल जाओ बेस की तरफ, तुमको बॉलिंग करना है चल जाओ ईमीटर की तरफ, अरे हाँ कि ना? यस। यहाँ बैटरी लगाएंगे बाद में, बैटरी कैसे लगता है बताएंगे आपको, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर सिंबल में बात करेंगे, सिंबल कैसा होता है, तो सिंबल देखिए इमीटर ऊपर हो गया है और एरो मार्क बाहर, याद आया? हाँ सर एकदम याद आ गया। और इसमें नीचे की ओर इधर, अरे हाँ कि ना? एक तार यहाँ से ऐसे, एक तार इधर ऐसे, यहाँ से एक बैटरी इधर लगा देंगे, अरे हाँ कि ना? देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, हाँ हाँ उसको कर देते हैं, ठीक ऊपर फिर ऐसे, अरे हाँ ना? अच्छा यहाँ एक बैटरी, सही है, ठीक। तो ये बन गया, बैटरी कैसे लगाएंगे बाद में सोचेंगे। सिमिलरली यहाँ एक डब्बा बनाएंगे पीएनपी के लिए, पीएनपी के लिए एक डब्बा बनाए, इसमें एक बड़ा डब्बा हो गया, एक छोटा डब्बा हो गया, एक यहाँ डब्बा हो गया, इधर एक तार, इधर एक तार, इधर एक तार, अरे हाँ जी। इससे इधर हम लोग बैटरी जोड़ दिए, यहाँ पर इधर बैटरी जोड़ दिए, यहाँ से इसके बीच में बैटरी जोड़ दिए, सही है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हमें सिंबल वाला बनाना होगा तो सिंबल ऐसे बनेगा, इसमें एरो मार्क अंदर की ओर होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, इससे बन गया, सही है। ओके यहाँ से एक तार इधर जोड़ेंगे, एक तार इधर जोड़ेंगे। अब देखिए हमको याद है इसलिए हम बहुत तेज बना रहे हैं। अब आप एक दो बार कलम चलाइएगा, गलती होगा पेज वेज फाड़िएगा, फिर से ठीक सीख जाइएगा, समझ में आया? ये कॉमन कलेक्टर हो गया, कॉमन, हाँ। अब अगला नियम क्या जानते हैं इसमें, बैटरी लगाना, क्या? हाँ बैटरी लगाना, क्या लगाना? चलिए बैटरी लगाने के लिए तरीका सिखाते हैं। अभी इसको हिंट मिटाएंगे नहीं, रहने दीजिए, अभी रुकिए, इसमें और एक पेज जोड़ रहे हैं, पहले बैटरी लगानी सीखते हैं। बैटरी लगाने के लिए, पहले बैटरी लगाने के लिए कुछ बातें हैं, उसको सीखिए समझिए, और नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बैटरी लगाने के लिए। फिलहाल ये कलेक्टर, ये बेस और ये इमीटर, एक और डिब्बा बनाते हैं। ये कलेक्टर, ये बेस और ये इमीटर, अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ। चलिए बैटरी बाद में सोचेंगे, लेकिन बैटरी लगाने के लिए कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। सर एक बात बताइए, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर अगर आप एनपीएन मानते हैं तो इसको एन, इसको पी, इसको एन मानना होगा। अगर इसको आप पीएनपी मानते हैं तो इसको पी, इसको एन, इसको पी मानना होगा। आपको आज जो बातें बोल रहे हैं उसको ठीक से एकदम उतना बार रटिएगा। ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं, बताए थे? ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं, एकदम सही बात है, ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं। सुनिए 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 सुनिए, ये वाला जंक्शन है वो दिख रहा है, एक ये जंक्शन दिख रहा है। हम बोले भाई तुम्हारा नाम बताओ, तुम अपना नाम बताओ, सोच में नाम पड़ गया। देखो सोच सुनो, पहले देखो बोला कि देखिए मेरा जो जंक्शन है ई दोनों क्षेत्र के बीच में है, तो ई वाला क्षेत्र का नाम बेस है, क्या बेस है। और ई वाला क्षेत्र का नाम इमीटर है ना जी। तो बोला मेरा नाम जो होगा उसका नाम होगा जेईबी, क्या नाम होगा? अरे पहले सुनो, ऐसा शब्द कहीं लिखा रहेगा ना तो नीचे छोटका जो लिखा रहता है उसको पढ़ा जाता है, ई से ई से ई से बी से जे से इमीटर बेस जंक्शन, क्या? ट्रांजिस्टर में पहला जंक्शन का नाम इमीटर बेस, इमीटर बेस, अच्छा इसका नाम बताओ, कौची लिखोगे, जेसीबी, क्या लिखोगे, जेसीबी, हाँ, अरे कलेक्टर हुआ ही बेस हुआ तो जेसीबी नहीं लिखोगे, कलेक्टर बेस, हाँ। तो आज के बाद याद कर लो, ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं, जेईबी और जेसीबी, जेईबी जेसीबी, इसके अलावा कोई जंक्शन नहीं होता है, दो को जंक्शन होता है, जेईबी जेसीबी। इसमें भी ऐसी बात होगा क्योंकि ये इमीटर है, कौन है, और क्योंकि ये बेस है, यहाँ जो जंक्शन बनेगा इसका नाम होगा जेईबी, क्या नाम होगा, अच्छा इसका नाम क्या होगा, जेसीबी, क्या नाम होगा, यस। तो दो जंक्शन हो गया, अरे हाँ जी। अब आते हैं पीडीएफ पे, पीडीएफ ही तो मेन है सर, अब आप बताइए पीडीएफ को समझाइए, अच्छा से देखिए पीडीएफ को, गौर से देखिए पीडीएफ को, ध्यान से देखिए पीडीएफ को एकदम। अब देखिए पीडीएफ में कौची लिखा, पहले जो नियम है वो पहले दो लाइन में लिखा हुआ है और इसको 10 बार रटना है। अरे इमीटर बेस जंक्शन इज टेकन एज फॉरवर्ड बायस, क्या बोले, क्या बोले, इमीटर बेस जंक्शन, देखो देखो सुनो, इतना दूर का जो नाम है ना, अरे है जी, इतना दूर का जो नाम है उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे जेईबी, क्या बोलते हैं, जेईबी को क्या बाइसिंग करना है, लिख दे रहे हैं, जेईबी को
को कौन भाई सिंह? फॉरवर्ड भाई सिंह। जेईबी को कसम खा लो। अभी बोलो सर ऐसे कैसे जान गए? हम बोले हम पढ़े हैं किताब इसलिए जान गए। अभी आप हम बता रहे हैं उतना सीख लो। जेईबी बराबर जेईबी को हमेशा। अच्छा कलेक्टर बेस जंक्शन जेसीबी। अरे हाँ जी, और ये कौन सा है? यस तो जेसीबी। जेसीबी को यस, इसको आज एकदम समझ लो कि ये ऐसा चाबी हो गया बैटरी लगाने के लिए कि आज के बाद बीजेटी पढ़ोगे तो और बैटरी लगाने का बात सोचोगे कि दोनों लाइनवा एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। जेईबी फॉरवर्ड बैस, जेसीबी रिवर्स बैस। जेईबी फॉरवर्ड बैस, जेसीबी रिवर्स बैस। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है? बैटरी कैसे जोड़ते हैं समझ में? बैटरी कैसे जोड़ते नहीं, बैटरी जोड़ने के लिए क्या उपाय लगाते हैं पता चला? कब फॉरवर्ड बैस, कब रिवर्स बैस पता चल गया? जेईबी फॉरवर्ड बैस, जेसीबी रिवर्स बैस। कोई प्रॉब्लम? कोई ऐसा बात जो आपको हमसे यहाँ तक में कोई पूछना है? अब हम आपको बैटरी लगा के दिखाएंगे। बैटरी, अब बैटरी लगाने की बारी आ गई, लेकिन बैटरी अगले वाले वीडियो में, ई बिलो वीडियो में नहीं। 20 मिनट का हो गया वीडियो, इसलिए फिर सस्पेंस हो गया। अगला वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्या कहते हो? यस सर, ठीक है, वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए अगले वीडियो में बात करते हैं।